राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब या एसेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो, आना इसने पेपर में, ठीक है। तो स्कूल लेवल एग्जाम में या तो एक्सेस प्रेशर की डेरिवेशन आएगी या एसेंट फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला आने के बहुत बहुत चांस है, दोनों के फिफ्थ बिल्कुल सौ सौ बिल्कुल मतलब बराबर टक्कर है। किसी टीचर का मन करता है कैपिलरी, वो ये डाल देगा असेंट फॉर्मूला, किसी का मन करेगा एक्सेस, तो एक्सेस प्रेशर डाल देगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एसेंट फॉर्मूला राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब है क्या? पहला क्वेश्चन, कैपिलरी ट्यूब डालते ही, पतली सी कैपिलरी ट्यूब डालते ही पानी ऊपर क्यों गया, और अगर वो गया उसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो कितना ऊपर गया, हाइट निकालना चाहता हूं मैं, उस हाइट को बोलते हैं असेंट फॉर्मूला निकालना। तो निकाल लें, पहले आंसर देता हूं कि क्यों ऊपर गया। इमेजिन करें कि आपने एक टब लिया लिक्विड का और आपने एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब डाली। अब मेनिस्कस कैसे होगा, जहां कंटेनर है वहां लिक्विड ऊपर चढ़ा होगा या फ्लैट हो जाएगा फिर ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि जहां जहां कंटेनर है वहां वहां लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, जहां नहीं है वहां फ्लैट हो जाएगा। फिर इसकी बारी आई, कंटेनर है तो ऊपर हो गया, फिर फ्लैट हो गया और फिर ऊपर हो गया, ऐसे हो गया। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मेनिस्कस ऐसे था लिक्विड का, फ्लैट नहीं हो पाया क्योंकि कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली थी, तो जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही कैपिलरी ने हर तरफ से खींच लिया, तो मेनिस्कस क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हमने किया यहां पे फ्लैट होगा क्योंकि टब बड़ा है, ये पतला है तो बस गोल घूम गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूं देख लो, अगर मैं कोई भी पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट यहां लूं या इसके इमीडिएटली नीचे लूं, प्रेशर एग्जैक्टली सेम होगा, कितना पी एटमोस्फेयर। ऐसी यहां लूं या यहां लूं पी एटमोस्फेयर, क्योंकि सरफेस फ्लैट है, सरफेस जब फ्लैट होता है तो पी एटमोस्फेयर पी एटमोस्फेयर। लेकिन यहां पे इमेजिन करें ये हवा है, अभी तो चढ़ेगा पानी, यहां पर पी एटमोस्फेयर था, यहां का प्रेशर क्या बताया था, थोड़ा कम होगा बाय एन अमाउंट ऑफ टू टी बाय आर। अभी रिजल्ट करवाया मैंने, जिस रिजल्ट में मैंने आपको अभी दिखाया भी था कि ऐसे केस में ये प्रेशर यहां पर कम होता है बाय टू टी बाय आर। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो ये देखो, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां का प्रेशर कम है। लिक्विड अभी फिलहाल कहां पे है, लिक्विड यहां पे था, यहां का प्रेशर कम यहां का ज्यादा, तो देखो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहां प्रेशर ज्यादा यहां कम, यहां ज्यादा यहां कम, प्रेशर डिफरेंस से पानी को ऊपर की तरफ फोर्स मिली, पानी ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि कैपिलरी पतली है, कैपिलरी पतली होने की वजह से यहां का प्रेशर गिर गया, मेनिस्कस की वजह से यहां प्रेशर गिर गया, साइड का प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, पानी भागेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और पानी जब यहां भागेगा तो ये लेवल ऊपर 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 जाएगा। कब तक ऊपर जाएगा, साइज नहीं थोड़ा ऊपर जाता जाएगा, रुक जाएगा, मान लो कहां पर रुक गया था, हाइट ऑफ एच। मेनिस्कस की हाइट यहां से मेजर की जाती है, याद रखना, ऊपर से नहीं नीचे से, थोड़ा अलग है, यहां से आएगी हाइट। तो एच हाइट पे रुक गया, पता है क्यों, इसलिए यहां का प्रेशर पी एटमोस्फेयर है, यहां का प्रेशर कम था, और पानी ऊपर जाने से एच हाइट अटेन करने से इस पॉइंट का प्रेशर जो कि कम था, अब इसी पॉइंट का प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि पानी ने भी यहां पे क्या लगाना शुरू कर दिया, प्रेशर। तो पानी ने कितना प्रेशर लगाया, एच रो जी, तो पहले प्रेशर कितना था, पी एटमोस्फेयर माइनस टू टी बाय आर प्लस एच रो जी। अब कोई ऐसा टाइम आएगा जब ये और ये प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल, इक्वल होने पे एच हाइट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये देखो आपने लिखना कैसे है, आपने सबसे पहले ये लिखना है डायग्राम के साथ, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, पहले बता दें, टी फॉर सरफेस टेंशन है, लेट अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ टैंक फिल्ड ऑफ लिक्विड की लाइन लिखनी है, स्मॉल आर कैपिलरी का रेडियस है, फिर लिखना है प्रेशर ए पे और सी पे कितना है, पी एटमोस्फेयर है, बी के ऊपर इनिशियल प्रेशर कितना है, पी एटमोस्फेयर माइनस टू टी बाय आर है, लिख लिया। फिर आपने लिखना है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया कहां पे, ए और बी पे, सी और बी पे, ए और बी पे, सी और बी पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, और क्या हुआ, लिक्विड ने एच हाइट अटेन कर ली, और कब तक हाइट अटेन करेगा, जब जब प्रेशर कितना था यहां पे, पी एटमोस्फेरिक, और यहां पे प्रेशर कितना नहीं हो जाएगा, सेम सेम, कैसे, इतना तो पहले था, पानी ऊपर चढ़ के इसके प्रेशर को बढ़ा गया और इसके साथ इक्वल कर गया, इक्वेट कर देंगे, एक ही लाइन की डेरिवेशन है, इक्वेट कर दिया, ये और ये क्या हो गया, कैंसल, ये टर्म इधर आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच निकाल लिया, तो फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला नोट कर सकते हो,
हाइट ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी का फॉर्मूला 2t बाय कैपिटल आर रो जी। इंपॉर्टेंट साथ में ये है, कैपिटल आर इसमें रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, इसमें ट्यूब का रेडियस नहीं है, मेनिस्कस का रेडियस है। जब ये पेपर में आएगा तो अपने डायग्राम बनाने हैं, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ तक करने हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये करने के बाद आपने एक और डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में आपने ये शो करना है कि देखो ये रेडियस, ये मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस है। अगर मैं इसे कंप्लीट करूं तो ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस का सेंटर है, ये आपका ट्यूब का रेडियस है स्मॉल आर, ट्यूब का रेडियस छोटा आ रहा है, मेनिस्कस का स्फेयर का कैपिटल आर है, इन्हें ज्वाइन कर लेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट सॉलिड के साथ क्या एंगल बनाएगा थीटा, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लाइन और ये आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो अगर ये थीटा तो बोलो ये कितना 90 माइनस थीटा, और ये लाइन टेंजेंट और रेडियस भी 90 डिग्री पे हैं, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना थीटा, है ना, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये भी 90 डिग्री पे हैं, तो 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। तो ये ज्योमेट्री बना के आपने लिखना है कॉस थीटा क्या है स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या है स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। आपने हाइट का ये फॉर्मूला निकाला था लेकिन इसमें रेडियस ऑफ मेनिस्कस यूज हो रहा है, आपके न्यूमेरिकल में रेडियस ऑफ मेनिस्कस नहीं गिवन होता, ट्यूब का रेडियस गिवन होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, कैपिटल आर को स्मॉल आर बाय कॉस थीटा, फाइनली ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज होगा, डेरिवेशन यहां तक करके आनी है, हाइट ऑफ लिक्विड 2t cos थीटा बाय r रो जी। ये फॉर्मूले में अगर ये यूज कर रहे हैं तो छोटा r किसका रेडियस है ट्यूब का, लेकिन अगर आप ये यूज कर रहे हैं cos थीटा नहीं यूज कर रहे हैं तो कैपिटल r क्या बनेगा मेनिस्कस का रेडियस। तो क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये टॉपिक है और ये लास्ट